आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पोहा, और ये पोहा जो है घर में मिनिमम अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही बनता है, और साथ ही साथ ये बहुत टेस्टी भी है और आपको वेट लॉस में भी बहुत अच्छा हेल्प देगा। तो चलो देखते हैं इसे बनाना कैसे है। मैंने पहले थोड़ा सा तेल डाल लिया है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ये रॉ पीनट्स हैं। ये रॉ पीनट्स को मैं पहले फ्राई कर लूँगी थोड़ा तेल में, क्योंकि ये कच्चा है। ठीक है, पहले हम इसको तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम होने के बाद हम इसे करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब मैं ये पीनट्स डाल दे रही हूँ इसमें फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो रोस्टेड पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स तो बहुत और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ये मेरे पीनट्स फ्राई हो गए हैं, अब चलते हैं। देखिए मैंने कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला है, जितना तेल था बस उतना ही है। अब इसमें मैं एक एक करके डालूंगी। यह है जीरा, मैंने जीरा डाला। लो फ्लेम में रखना, और फिर मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, और डाल रही हूँ इसका मास्टर इंग्रेडिएंट, वो है ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बिना तो स्वाद आता ही नहीं है। ज़रा ध्यान से कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, यानी कि प्याज और ये गाजर, कटी हुई गाजर। अभी विंटर्स आ रहे हैं तो अभी बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां भी मिलेंगी आपको। पोहा में आप कोई भी सब्जी आप डाल सकते हैं, जैसे कैप्सिकम भी बहुत लोग पसंद करते हैं, गाजर हो गया, मटर हो गया, ये सब पोहा में बहुत अच्छे से जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अभी मैं ना ये सब्जियों को थोड़ा सा सॉटे, क्योंकि मैं कम तेल यूज़ कर रही हूँ, तो सब्जियों को थोड़ा सॉटे करने के लिए मैं क्या करूँगी, फ्लेम को थोड़ा लो रखूँगी और ढक दूँगी, ताकि सब्जियाँ जो है अच्छे से नरम हो जाए। क्योंकि हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसे, बस इसे थोड़ा सा नरम करना है ताकि ये गल जाए। ठीक है, अब मैं इसे ढक दूँगी सब्जियों को। मैंने ढक दिया सब्जी को, सब्जियाँ मेरी नरम हो गई है, मैंने इसे ढक के रखा था, सब्जी नरम हो गई है। अभी इसमें मैं डालूंगी नमक और हल्दी। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक इसमें डाल लेना और हल्दी। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। मेरे पास ना ये फ्रोजन मटर है, इसलिए मैं इसे बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि फ्रोजन मटर थोड़े से नरम रहते हैं, तो मैंने ये मटर इसमें डाल दिया। अभी हल्का इसको मिला लेंगे और अब डालेंगे ये पोहा। ये जो पोहा है ये इसको मैंने भिगो के नहीं रखा था। आपको जितना चाहिए, आप जितना अमाउंट में इसे खाना चाहते हैं उतना इसको क्या करेंगे, लेकर इसको जस्ट वॉश करेंगे। दो तीन बार जब इसको वॉश करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। इसे भिगो के मत रखना, भिगो के रखोगे तो क्या होगा, ये जो है ना ज़्यादा गल जाएगा या फिर ये इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसे दो तीन बार वॉश करने के बाद ऑटोमेटिक ये नरम हो जाता है। अब मैंने इसमें ये पोहा डाल दे रही हूँ, और ना अवॉइड करना कि नमक और हल्दी ना पोहे के ऊपर मत डालना, तो कई बार क्या होता है ना लम्स बन जाते हैं, और वो क्या होता है कि उस जगह पे नमक ज़्यादा हो जाता है या हल्दी ज़्यादा हो जाता है। आप सब्ज़ी फ्राई होने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दोगे तो आपको मिक्स करने में बहुत ईजी हो जाएगा। देखो कितना अच्छा से मिक्स हो जा रहा है और कितना अच्छा भी लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। ये देखो फ्लेम मेरा ना अभी भी लो है, मैं इसे थोड़ी देर बाद पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा फ्लेम इसको बढ़ा दूंगी। अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा दिया है, कितना कलरफुल लग रहा है देखो। सबसे कंसिस्टेंट ब्रेकफास्ट है ये, सबसे टेस्टी ब्रेकफास्ट है, और इसका तो मजा ये भी है कि इसे आप खा के अपना वेट भी गेन नहीं करोगे, बट ज्यादा मत खा लेना।
मेरा पोहा अभी पूरा मिक्स हो चुका है, इसे पकने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत रेडी टू गो है। आप जल्दी जल्दी घर पे बना के ब्रेकफास्ट में से लेकर कर सकते हैं और आप भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है, बस अपने पसंद की सब्जियों को डालो और पोहा बहुत जल्दी बनता है। अब जो है लास्ट में मैं ये मेरे फ्राइड पीनट्स डाल दे रही हूँ इस पे, इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है इसमें। अब मैं लास्ट में उतारने से पहले थोड़ा सा फ्लेम हाई इसलिए कर दे रही हूँ ताकि इसका जो है ना ये जो आपके जो ये जो चूड़ा है ये अच्छा से ना थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो थोड़ा सा फ्लेम आप ज़्यादा करके इसको थोड़ा हिलाएंगे ना तो वो थोड़ा सा जो ये है चूड़ा थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगा और ये बहुत अच्छा लगता है। रेडी है आपका हेल्दी टेस्टी वेज पोहा, एंजॉय करो।